मॉर्निंग। भाभी नहीं आई, सो रही है अभी तक? तो काफी देर पहले उठ गई थी। वो भाभी अली के स्कूल गई है, ड्राइवर के साथ गई है, शायद अली की टीचर्स ने बुलाया। आपको भाभी ने बताया नहीं कि वो अली के स्कूल जा रही हैं? मूड नहीं ठीक हो? चलें कोई बात नहीं, जितनी वो मोहब्बत करती है ना आपसे, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे, आप परेशान ना। अरे भाई कौन है, किसको पागलपन का दौरा पड़ गया? आ गई हूँ क्या दरवाजा तोड़ने? और आ रहे हैं, खोल। तुझे क्या लगा तू मेरी नाक के नीचे गिर गई? मैं तुझे छोड़ दूंगी। कितने एहसान किए मैंने तुम लोगों पे। ए कौन चिल्ला रहा है? आ निकल जा, बनकर मुझे ही रस्सी चली जा। निकल जा, तेरा जिला नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे मुझे। अरे निकल जा, हाय मैं मर के ठीक है ना तू? अरे क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची की जान लेगी? क्या किया मेरी बच्ची ने? दोस्त उसके पीछे पड़ी थी। अपनी बेटी को समझा लो खाला, आज के बाद अगर मेरे शौहर की तरफ नजर उठा के देखा तो इसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। मर गए सोनिया की आंखें नोचने वाले। फलक नहीं हूँ मैं, सोनिया हूँ, सोनिया, समझ आई? तो अरे बस बस कर दो। अरे मेरी बच्ची को मार डालोगी जान से? अरे छोड़ो इसको, अरे छोड़ मेरी बच्ची को। अरे क्या कसूर क्या किया बताया तो सही, क्या किया? अपनी बेटी को समझा लो खाला, आज के बाद अगर मेरे घर की तरफ इससे आंख उठाकर देखा तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। बात सुनो मेरी, जरा सोच समझ कर बोलो, ये ना हो तुम्हारी धमकियां सारी उल्टी पड़ जाए, तुम खुद सारे जमाने में मुंह छुपाती फिरो। इसको तुम, अरे खुदा का वास्ता, अरे बस कर दो। मैं तो मुझे नहीं देख रही, क्या कर रही है, कितने मारे मुझे। चल जा तेरा बच्चा, तुझे कोई नहीं मार सकता, चल जा, तू अंदर चली जा, दफा हो जा, मर जा, चली जा ना अंदर, क्या चाहती है, खून खराबा करवाएगी। चल बेटा, खुदा के वास्ते मेरे जुड़े में हाथ देख, क्या सोचेंगे महल्ले वाले। अरे अपनी खाला की इतनी सी इज्जत रख ले, चप्पलों के साथ मारूंगी अभी अंदर जाके। मैं वादा करती हूँ तेरे साथ। नहीं बेटी को समझा लो खाला, वरना कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। समझा दूंगी भी, समझा दूंगी, इसे मेरी धमकी मत समझना। नहीं नहीं मुझे पता तुम्हारा, ये बड़ी बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है, मैं भी इसको मारूंगी, जूतों से मारूंगी। माफ कर दो, बस जाओ, नहीं देखेगी मेरी बच्ची बेचारी। मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी सुहेल। तुमने गलती नहीं की, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इतना बड़ा गुनाह है कि तुम्हें जिंदगी भर इस गुनाह की माफी नहीं दूंगी मैं। भाभी से बात हुई आपकी? अभी उसी को फोन मिला रहा था, मेरी कॉल काट देती है, एक छोटी सी बात को इश्यू बना लिया उसने। छोटी बात नहीं है भाई, ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है तैमूर, जबकि सोनिया हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय है। लेकिन अब नहीं रहेगी। देखिए भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सोनिया एक बहुत खतरनाक लड़की है, और जिस तरह आपने मुझे बताया है ना कि उसने आपका हाथ पकड़ लिया था अचानक से, वो अचानक नहीं था, जानबूझ के था, क्योंकि वो देख चुकी थी भाभी आ रही है, और इसी वजह से वो चाहती थी कि आप दोनों के आपसी मामला में बदमस्की पैदा हो। तैमूर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही क्या गलत है? भाभी ने बेलौस मोहब्बत की है आपसे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस घर के लिए, ये घर बनाया, यहां तक कि आपके भाई की पढ़ाई के लिए उन्होंने फाइनेंस किया, कितना कुछ तो किया उन्होंने मेरे और आपके लिए। मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब जो भी था आपका, सोनिया अब नहीं रहेगी इस ऑफिस में,
मैं साइड जा रहा हूँ, तौकीर साहब आएंगे 12 बजे, आप उनसे मिल लीजिएगा। उन्हें मना करो, मेरी इस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी मीटिंग में बैठ सकूँ, प्लीज। ठीक है, मैं मीटिंग रीशेड्यूल कर लेता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भाभी के दिल में जो मैल है आपके लिए वो साफ हो जाए। रात से काफी दुख में है वो, मैं तो आपकी इस हरकत की वजह से इतना शर्मिंदा हूं कि उनसे आंख भी नहीं मिला पा रहा। आज के बाद अगर मेरे शौहर की तरफ नजर उठा के देखा तो इसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। मर गए सोनिया की आंखें नोचने वाले। अपनी बेटी को समझा लो खाला, आज के बाद अगर मेरे घर की तरफ इसने आंख उठाकर देखा तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। इस लग का बदला मैं जरूर लूंगी किंजाब भी। सारी बातें आपके मुंह पर नाम आ रही ना, मेरा नाम सोनिया नहीं होगा। आपकी गेम कैसे जा रही है स्कूल में? बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं मैच कब देखने हूँ आपका? खबरदार जो मेरे बच्चों पर अपना मनुसाया डाला तुमने। भाभी मैंने क्या किया है? शहनाज कहाँ मर गई हो? जी किस भाभा जी, आज के बाद अगर ये मेरे बच्चों के करीब भी नजर आई ना तो तुम इस घर में नजर नहीं आओगी। लेके जाओ इनको। सच सच बताओ मुझे, तुमने सोनिया को भेजा ना सोहेल के ऑफिस में ताकि उसे ट्रैप कर सके? भाभी मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वो कहीं जॉब कर रही है और आप जानती हैं मेरी तो सोनिया से बात ही नहीं होती। बंद करो अपनी बकवास, ये सारी चाल तुम्हारी चलाई हुई है। तुमने सोनिया के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा रचा है। सोनिया को तो मैं वो हाल करके आई हूँ कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। भाभी मैं ऐसा क्यों करूंगी, सोहेल भाई तो मेरे भाइयों की तरह। सोहेल के साथ नहीं, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी? भाभी ऐसी कोई बात नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तैमूर ने तुम्हें अपने सर पे चढ़ा है, उसी के सर से तुम्हें उठा के बाहर फेंकोगे। दिखाई नहीं दोगी तुम इस घर में। टर्न टर्न टर्न, एक घंटे से मुसलसल बजता जा रहा है, कानों में दर्द शुरू हो गया। अरे इसको उठाना कहाँ से है? हेलो, हाँ कौन? खाला सोनिया कहाँ है? क्यों, तुमने क्या कहना है सोनिया से? अरे वो किंजा ने क्या कम पहले लेक्चर दिया जो अब तुमने फोन कर दिया सोनिया से बात करने के लिए? बंद करो फोन। खाला सोनिया की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी हो गई है, किंजा भाभी तो मुझे ब्लेम करेंगी हर चीज का, वो मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी। अरे तो मैं क्या करूं? अपने घर के मसले मसाइल जो है ना वो तुम खुद हल करो, या वो किंजा आप ही हल करे। खबरदार जो मेरी बच्ची बेचारी को परेशान किया, तो पता नहीं परेशानी में मेरी बच्ची पहले कहां चली गई है। और तुम कान खोल के सुन लो, अंदर यहाँ फोन करने की कोशिश नहीं करना। लेकिन मैं भी तो आपकी